सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BDL को लेकर। तो आप लोग देखो, डिफेंस शेयरों में हमें कुछ टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है, और गिरावट नहीं हो तो स्टॉक कुछ चल भी नहीं रहे हैं भाई। उन्हीं में से बेल भी एक है। आज शेयर में आप लोग देखो, पीछे कंपनी को ऑर्डर मिला था, प्लस ऑर्डर के साथ साथ जो ये शेयर है वो आपको जो ये ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है, FTSE है, वहाँ पर भी शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखने। सॉरी, भी FTSE में नहीं, क्या बोलते हैं ये जो स्टॉक है, वो हमें अभी पीछे खबर आई थी कि निफ्टी 50 में शामिल होते हुए नज़र आए, तो निफ्टी 50 में शामिल हुआ, उसके बाद भी स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं बना, हालांकि स्टॉक ऊपर से टूट आई है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, खबर भी आई है। देखो, मैंने आपको पहले भी एक ही बात बोली थी, यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज खरीदा और आज हमने जो भी शेयर को बाय कर लिया और अगले एक हफ्ते में, दो हफ्ते में जो शेयर है वो यहाँ से 50% 60% ऐसे भागेगा। तो ये ऐसे जो अपने दिमाग से ख्याल है वो निकाल दो। सबसे पहले तो ये जो थॉट है ना आपके, ये 50% 60% एक हफ्ते में, दो हफ्ते में दे देगा, ये अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। आज खरीदा तो 3 महीने से लेकर 6 महीने का आपको पेशेंस रखना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ से कुछ कमा सकते हो। ये मत समझो कि स्टॉक हम जहाँ से खरीद रहे हैं बस वहीं से चलना स्टार्ट किया उसने, इससे पहले भी कहीं ना कहीं से ही आया है, ठीक है। तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो ऐसे कि आज खरीदा, एक हफ्ते में डबल लेके निकल गए, 50% 60% जो कमा लिया वो लेके निकल गए। कभी ऐसा मार्केट में अगर दिमाग में ये चीज़ें बाढ़ के बढ़ोगे ना, मार्केट के अंदर उतरोगे, तो भी नुकसान के सिवाय, मेरे से लिखवा लो, नुकसान के सिवाय आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पेशेंस रखो, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ भी खबरें क्या आई है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे कैसे क्या मूव आ सकते हैं शुरू में। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी बेल शेयर के ऊपर जो ना भी देखो, वैसे स्टॉक 10% टूट चुका ऊपर से अपने हाई से। ये जो टाइम है वो प्रॉफिट बुकिंग का है या फिर लॉन्ग टर्म प्ले करने का इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग प्रकाश गावा जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला है, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म में जो भी बाय ऑन डीप करने का भी उनका रिकमेंडेशन आया, यानी कि स्टॉक में अगर डीप आता है 5% 10% का, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत और ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखिए भाई। और लॉन्ग टर्म ये स्टॉक, मैं आपको बार बार पीछे भी चलाकर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलेगा, ऐसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। आज ये न्यूज़ आई है, हालांकि न्यूज़ के बाद जो शेयर है वो आपको थोड़ा बहुत रिकवरी लेते हुए नजर आया, नीचे से थोड़ा बहुत ही आया, 2% टूटने के बाद थोड़ा बहुत नीचे से आया रिकवरी में, बट इस शेयर को होल्ड करना आई थिंक बेस्ट है, और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में जो शेयर है वो अगले 12 महीने में, पिछले 12 महीने तो आपने देखे होंगे, इसने लगभग 125% रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और इस साल 2024 में 65% रिटर्न दिए, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलेगा भाई, तो होल्ड कीजिए, अभी इसे होल्ड करने का टाइम है। तो इसके जो ऊपर में टारगेट्स है वो आप लोग देखोगे 323 और फिर उसके बाद में 385, दो टारगेट हमें आते हुए नज़र आएंगे। तो इस अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला है, शॉर्ट टर्म 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का होल्डिंग का टाइम होता है भाई, ऐसा नहीं कि आज खरीदा और 2 दिन बाद शॉर्ट टर्म हो गया, नहीं, 1 महीने से लेकर 3 महीने को इसे होल्ड करना है, तब ये ऊपर में 340-350 रुपये के आसपास के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर पेशेंस है तो रखो भी, अदरवाइज और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अकेली एक नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला शेयर हमारा BDL है। BDL के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली, भी डिफेंस स्टॉक है। तो LRR की तरफ से यहाँ पर, LRR जो कैपिटल है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और इसी रिपोर्ट में उन्होंने इसको सेल रेटिंग दी है, और सेल रेटिंग के साथ जो नीचे में टारगेट्स इनके दिए हैं वो लगभग 16% डाउन साइड के दिए भी, यानी कि अभी के जो भाव उससे अगर 16% से टूटे तो 1100 रुपये के आसपास के इसमें हमें नीचे में टारगेट आते हुए नज़र आ सकते हैं, ये पोटेंशियल है, ठीक है, LRR की तरफ से। और ये क्यों बोला गया अभी, इसके ऊपर भी इन्होंने अपडेट दिया है। तो यहाँ पर देखोगे इसके अंदर, एक तो ये जो सीटिंग सप्लाई चेन इशू है ये हो गया, सेकेंडली आप लोग देखोगे डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स, यानी कि जो रिजल्ट्स के पीछे आए थे वो थोड़े से जो ना भी ख़राब थी, इस वजह से आने वाले टाइम में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ गिरावट में थे भाई, और अभी टाइम स्टॉक 27% टूटा हुआ है, अगर इस खबर के बाद थोड़ा बहुत और डाउन जाता है तो भाई बाय ऑन डिप करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो
ये और आपके ऊपर डिपेंड करता है बीडीएल के अंदर आपको किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये शेयर यहाँ से और टूटता है, नीचे में आता है 5%, 4%, 2%, तो वहाँ से SIP स्टार्ट हो सकती है। और SIP ऐसा नहीं है कि एक झटके में सारे शेयर उठा लिए भाई, ठीक है। हमने मान लीजिए 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में, तो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको टुकड़ों में करना है, एकदम पैसा न डालकर। 10,000 रुपये के मान लीजिए 5,000 रुपये शेयर हमने एक बार में खरीद लिए, ठीक है। जो अगले 5,000 रुपये के शेयर हैं वो दो टुकड़ों में खरीद लो, ठीक है। हर 5% की गिरावट में आपको यहाँ पर 2,500 रुपये इन्वेस्ट करने, अगले 5% की गिरावट में फिर 2,500 रुपये इन्वेस्ट करने। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अभी मार्केट में, ऐसे काम नहीं चलते हैं। आए मुँह उठाकर और पैसा लगाया, अभी बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉस तो है ही है, वो तो आपको सभी को देखने को मिलेगा। तो इसलिए मार्केट को एक गैम्बल की तरह न देखते हुए, एक प्रॉफिटेबल अगर आपको चाहिए तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर भाई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो हमारा जो अगला शेयर है वो HL है भाई। HL को भी होल्ड करना है, HL अभी बेचने का टाइम नहीं है, HL बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। डिफेंस स्टॉक का भी, डिफेंस स्टॉक्स पिछले कुछ टाइम से थोड़े बहुत दबाव में है, और ये दबाव जायज भी है भाई, क्योंकि इन शेयर में बहुत ज़बरदस्त रैली बन चुकी थी। उस रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भी। और आप लोगों को लगता है भी हम खरीदेंगे तो ये स्टॉक बस चलेंगे ही चलेंगे, हम जहाँ पर पैसा लगा रहे बस वहीं से उस स्टॉक की जर्नी स्टार्ट है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले भी कहीं ना कहीं से आए हैं, तो जिन्होंने नीचे के भाव में खरीदा वो ऊपर में प्रॉफिट लिया उन्होंने, और जिन्होंने ऊपर के भाव में खरीदा वो पैनिक हो रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं तो स्टॉक और टूट रहे हैं। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है यहाँ पर, जैसा वैसा होल्ड कीजिए। कंपनी ऐसा तो नहीं है भाई आपने पैसा लगाया और कंपनी जीरो हो जाएगी, डूब जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपसे पहले भी बहुत बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी होल्ड करना है। अभी के टाइम खबरें तो कोई नहीं आई इसके अंदर भी, जो कोई भी आगे आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।